हेलो दोस्तों, आज हम समयकार का टॉपिक पढ़ेंगे। समयकार से कैसे क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन पर विश्लेषण करेंगे। तो आज समयकार का हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको करेंगे। समयकार, टाइम एंड वर्क। समयकार तो इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे। ये और भी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः है किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया। और तीन दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो देखते हैं इसको किस प्रकार करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 10 और 12 दिन में ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया तो 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो पूछ रहा है कितने समय में कार्य पूरा हुआ। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे 10 और 12, ये ए का है ये बी का, इन दोनों का लासा लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा? 60। तो 10 × 60 और बी का आएगा 12 × 60। तो दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किया है? 3 दिन बाद ये छोड़ गया है, मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने साथ ही किया है। तो 6 और 5 11 11 दोनों का काम हो गया। ए प्लस बी का काम कितना हुआ है? 1 दिन का काम 11। तो कितने दिन किया है? 3 दिन। 11 × 3 = 33, यानी 33 काम हो चुका है। शेष कितना है? शेष काम बचा है यहाँ पे कितना? 60।